इस मॉड्यूल में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स टेगमेटाइजेशन और मेटामेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे अब जहाँ तक आर्थ्रोपोड्स की बायोलॉजी का ताल्लुक है तो उसके अंदर मेटामेरिज्म को अगर हम देखें तो मोस्ट एविडेंट एक्सटर्नली बॉडी फ़ीचर्स में भी हमें ये नज़र आएगा क्योंकि आर्थ्रोपोड्स की बॉडी जो है दैट इज़ यूजली कंपोज्ड ऑफ़ ए सीरीज ऑफ सेगमेंट्स और इनके अंदर जो है हर सेगमेंट के अंदर एक अपना अपेंडेज़ का पेयर भी मौजूद होगा इंटरनली अगर हम इन्हीं एनिमल्स आर्थ्रोपोड्स की सिचुएशन देखें तो इंटरनली एक बॉडी पार्टीशन या सेप्टा दैट डू नॉट डिवाइड द बॉडी कैविटी ऑफ एन आर्थ्रोपोड और मोस्टली ऑर्गेन सिस्टम लेवल जो है दैट इज़ नाट मैटामिकली अरेंज अब इसकी रीज़न क्या है इंटरनल मेटामिज़्म जो कि हमें बॉडी में नज़र नहीं आता इसकी रीज़न क्या है इसकी रीज़न ये है कि इसके जो मैटामिकेगमेंट्स हैं दे आर यूजली अरेंज इन हाइड्रोस्टेटिक कम्पार्टमेंट्स और जब ये हाइड्रोस्टेटिक कम्पार्टमेंट्स में अरेंज होंगे तो दे आर ऑफ लिटल वैल्यू टू स्पोर्ट आर लोकोमोशन ऑफ एनिमल इनक्लोज बाय एन इंटरनल एक्सोस्कैलिटर अब मेटाबॉलिज्म जब भी एनिमल्स के अंदर होगा तो इसका क्या फ़ायदा होगा दिस यूजुअली परमिट्स स्पेशलाइजेशन ऑफ रीजन ऑफ द बॉडी फॉर स्पेसिफिक फंक्शन और ये जो, जो रिजनल स्पेशलाइजेशन होगी बॉडी पार्ट्स की फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन इसको हम कहेंगे टेक्बेटाइजेशन अब आर्थरोपोर्ड्स के अंदर बॉडी रीजन्स जो हैं उसको हम कहेंगे टेगमेटा टेगमेटा जो है दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस लाइक फीडिंग सेंसरी परसेप्शन लोकोमोशन एंड विजरल फंक्शंस इस डाइग्राम में आप देखें मेटामेरिज्म और टैगमेटाइजेशन दैट इज क्वाइट एविडेंट अब इसकी बॉडी जो है आर्थ्रोपोड्स की दिस इज आर टिपिकल क्रस्टेशियंस इस डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स प्रोसोमा एंड ओपिस्थोसोमा अब ओपिस्थोसोमा में भी दो हैं प्री एबडोमन रीजन और पोस्ट एबडोमन रीजन अब जैसे हमने बात की मेटामिज़म बॉडी जो है वो इसकी सेगमेंटेड है और सेगमेंट के ऊपर जो है वो अपेंडिजिज प्रेजेंट है यहाँ पर ये चूँकि अपेंडिजि प्रोसोमा पे मौजूद हैं तो इनको हम कहेंगे वॉकिंग लेग्स आइज़ मौजूद हैं सेंसरी सिस्टम के लिए मीडियन आई लेटरल आई और आगे जो इसके अपेंडेजेस uh, हैं इसको हम कहेंगे कैलिकरा या पेडीपेल्प अब इसके एबडोमल रीजन पे आप देखें तो एब्डोमिनल सेगमेंट्स जो हैं वो लास्ट पे इसके अंदर बाईफोक्ट किस्म के अपेंडेजेस मौजूद हैं अब इस डायग्राम में मेटामेरिज्म दैट इज़ द